पानीपत के समालखा कस्बे में चुलकाना रोड स्थित श्री कृष्ण आदर्श गौशाला में लगभग 60 गौवंश बीमार हो गए व 12 गौवंश की मौत हो गई। गौवंश की सूचना मिलते ही डॉक्टरों की टीम व गौ रक्षा दल के लोग गौशाला में पहुंचे। पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर संजय अंतिल ने बताया कि रविवार रात को उन्हें सूचना मिली कि गौशाला में कुछ गौवंश बीमार हैं। सूचना मिलने के तुरंत बाद उन्होंने तुरंत डॉक्टरों की टीम को गौशाला में भेजा और गौवंश का इलाज किया गया, जिनमें 12 गौवंश की मौत हो गई और बाकी अभी फिलहाल इलाज के बाद ठीक हैं। डॉक्टरों ने बताया कि गौशाला में कोई सज्जन गौवंश को खिलाने के लिए आटा डालकर गया था, जिससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि उसी खाने से सभी गौवंश बीमार हुई हैं। उन्होंने बताया कि अंदेशा लगाया जा सकता है कि आटे में कोई जहरीला पदार्थ हो सकता है, लेकिन यह सब गौवंश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। वहीं गौवंश की मौत से गौ सेवकों में दुख की लहर है। जो फूड पॉइजनिंग जो भी हुआ है उससे संक्रमित तो 100 से ज्यादा थी, लेकिन मौके पर ही डॉक्टर्स की टीम थी, हमारी वेटरनरी की टीम थी, उन्होंने मौके पर मोर्चा संभाल के इलाज किया। 12 गायों को हम नहीं बचा पाए, बाकी सब ठीक हो गए हैं। अब इसमें इंक्वायरी की बात है, जो सैंपल लिया गया है जो नहीं बचा सके जिनको, जिस तरह रिपोर्ट उससे ही पता लगेगा कि और कोई बीमारी है या फूड पॉइजनिंग थी जो भी, उसके बाद ही आगामी कार्रवाई। सर बताया जाए 3 लोग थे यहाँ पे जो आके डाल गए, वो गौशाला वालों ने बताया कि उस समय 3 लोग आटा डाल के गए हैं, तो हो सकता है उससे हो, लेकिन आटा एक सेक्शन में डला है सारे में डला है वो सारे विसरा रिपोर्ट के बारे में पता लगेगा। रात में मुझे 10:55 पर गौशाला से फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब कुछ गायें बीमार हो रही हैं और 1-2 पशु मर भी गए हैं। तो मैं वहाँ तुरंत पहुँचा, लगभग 11:03 पर हम पहुँच गए थे वहाँ। हमने देखा तुरंत फटाफट, हमने हमारी टीम थी जो कि रिस्पॉन्स टीम, हमने उनको इंजेक्शन वगैरह देना तुरंत हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से लगभग 60 गाय अफेक्टेड थी, उसमें से 12 की डेथ हुई है, बाकी सब बच गई हैं। 7 गायों का इलाज अभी भी मतलब जारी है, हम देखते हैं अभी शाम को क्या रिपोर्ट आती है आपको बताएं। पोस्टमार्टम वगैरह की कुछ पोस्टमार्टम हम करेंगे, अभी सस्पेक्टेड हमें ऐसा लगा है, फिर भी हमने 2 पशु हैं उनका पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या हुआ है ऐसा। अब तक फाइनल नहीं हो पाया कि नहीं, सस्पेक्टेड होता है फाइनल तो लैब में हम भेजेंगे सैंपल, वहाँ से होगा, हम लैब में सैंपल्स भेजेंगे, फीड जो है जैसे पानी हो गया, फीड हो गया, और भी जो चीज़ें वहाँ मिली हैं इंजेस्टा जैसे जो पशु के आपने खाया हुआ है पेट में, वो सारे चीज़ें लेकर के हम सील करके वो लैब में भेजेंगे, तो जो भी रिपोर्ट्स आएगी वो तो वो बताएंगे, हम सस्पेक्टेड डायग्नोसिस बता सकते हैं, वो हमें ऐसा लग रहा है। उसमें हम गौशाला में गए थे और वहाँ जाने के बाद देखा काफ़ी गौंस पड़े भी थे जो इन्हें दबा दिए, लेकिन ज़्यादा नहीं है भाई, 50-60-70 के गौंसों की हालत एकदम ख़राब हो गई थी, और जैसे डॉक्टर साहब से बात हुई पता चला तो उनमें से बहुत से गौंसों की जान बचा ली, करीबन 10-12 या 15 गौंस कह लो जो जिनकी मृत्यु हो गई है। सच्चाई है वहाँ देख भी रखे भाई, लेकिन दवाई ना वहीं दी ये गौशाला में और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। कितने की डेथ हो गई? करीबन 18 ही बताई है। 18 की? हाँ। अब बाकी हालत देखा तो जैसे भाई फोटो देखिए तो उसमें बहुत सी पड़ी हुई है, ऐसे जैसे लगा सब की सब मर गई, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब से बात हुई यहाँ का पता चला देखे भी तो उन्होंने बताया भाई हमारे डॉक्टर साहब की टीम लगी हुई थी जिसमें सब काफ़ी गौंस बचा लिए। श्री कृष्ण आदर्श गौशाला चुलखाना रोड पे है समालखा में, यहाँ पे क्या कहते हैं शाम की बात है देर रात की, तो वहाँ से खबर मिली कि कुछ पशुओं में दिक्कत है कि वो चारा खा करके गिर रही है, और 3-4 के बेला उस समय तक मृत्यु भी हो चुकी थी, तो उसके बाद में हमने अपनी डॉक्टरों की टीम है उनको भेजा वहाँ पे 3 BS को, तो जब उसके बाद में जा कर के देखा तो वहाँ सारे पॉइजनिंग वगैरह की हुई थी, जैसे कि हवा में वातावरण में इस तरह के जो है ना ऑर्गेनो फॉस्फोरस इस तरह की स्मेल आ रही थी, तो उसके अनुसार फिर डॉक्टरों ने इलाज किया कि उस शेड में जो मतलब एक खोर में ही कह रहे हैं कि रात को कोई दान्य सज्जन आया होगा, मतलब कोई चून वगैरह था, कोई आटे वगैरह का कट्टा लेके आया था, वो डाल के गया था, तो उसके कारण वहाँ पे उसमें लगभग 40-45 एनिमल के जो इफेक्ट हुए इसमें हुई हैं, तो उसमें से 12 की डेथ हो गई और
जो बाकी हैं वो मान लीजिए हमने इलाज किया था उसके बाद में बाकी बच गए थे। अभी हम जो दो एनिमल हैं उनका पोस्टमार्टम भी करवा देंगे, पॉइजनिंग सस्पेक्टेड था तो ये कार्रवाई हम कर रहे हैं। लंपी की क्या स्थिति है वैक्सीनेशन की? लंपी तो हमने क्या कहते हैं कल और परसों सभी गौशालाओं में लंपी कंप्लीट हो गई है हमारी। कितनी वैक्सीनेशन आई थी और कितनी? हमारे पास में 23,100 वैक्सीन आई थी जिले में, और गौशालाओं में लगभग 18,000 गोवंश गौशालाओं में जो है उस सप्ताह में वैक्सीनेशन करवा दिया गया था। उसके अलावा जो 5,000 के करीब जो वैक्सीन है वो गांवों में डेयरियों में जाटल वगैरह के जहाँ पे कंसंट्रेटेड एनिमल ज़्यादा है ना वहाँ पे पहले उन्हीं को ही कवर किया गया था। बाकी हमारे पास में 23 या 24 तारीख को 41,800 डोज लंपी वैक्सीन की और आ जाएंगे, तो हम सारे गोवंश को वैक्सीनेशन करवा देंगे। तो इसमें डोर टू डोर का? हाँ, उसमें डोर टू डोर का जैसे बाकी हमारी वैक्सीन लगती है ना, जैसे हम खुटी गलगुर खुटी दक्षिण अंदर द्वार पे जाके करवाते हैं, तो उसी तरह से इसका भी प्रोसीजर होगा। तो अभी कोई अपने जिले में कोई केस भी आया है? अभी तक हमारे जिले में कोई केस समालखा में सुनने में आया था कोई बेसारा गोवंश है जो गो में लक्षण लग रहे हैं। तब की बात कल ही की बात है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।